देखो 15 32 96 आएगा, कितना आएगा 15 32 96। देखो टेंशन मत लेना, सब समझ में आएगा, बिल्कुल हैरान मत होना। जोड़ दो 4 4 8 और ये 2 और ये क्या 3 और 8 3, ठीक क्लियर। इसको घटा लो, 14 में से 6 गया 8, 8 6 14 होता है ना, और ये क्या बचा भाई, ये बचा 0, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 1। घटा लो इसमें से जो भी होगा, आप घटाओगे तो कितना आएगा मालूम है आपको? देखिए यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग एक बात ध्यान देने लायक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है इस क्लास का। इस तरह से इसको अगर आप घटाओगे तो क्या आएगा 26 818 आएगा। कैसे आया देखो, इधर देख लो, आप जानते हो 14 में से 6 गया 8, ये बना 10, 10 में से 9 गया 1, ये बना 9, 9 में से आपका क्या हुआ 2 घट, मतलब एक उधार जाएगा तो ये 10 बन जाएगा और ये भी 10 बन जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और ये। इस तरह से आप घटा लो, घटाना तो सभी को आता है ना, कोई टेंशन होगा तो बता देना। ये हो गया इतना, अभी ऊपर आपका एक जोड़ा बचा 28 वाला, उसको भी हमने लिख लिया 28 यहाँ पर। अब इसमें जो भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा मालूम है? ट्राई करके देख लो, 3 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा 26 में, 3 का भाग 26 में कितनी बार जाएगा जल्दी बताओ, 3 8 24 8 बार जाएगा ना, लेकिन ये 8 बार यहाँ पर नहीं होगा, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ट्राई करके देख लेना। यहाँ पर ये 6 बार जाएगा, मतलब एक अनुमानित आ जाता है, 6 बार ले जाओगे आप, 6 बार ले जाके देख लो, 22 99 716 आएगा। क्या आएगा? 22 99 716। देखिए इसको घटाओगे कुछ भी आएगा, हमसे इससे मतलब नहीं, हमारा उत्तर ऊपर आ चुका है, हमें इसी से मतलब था। 4 अंक तक निकालना था दशमलव के बाद और हमने 4 अंक तक निकाल दिया है। देखिए साथियों, 33 मिनट से ज़्यादा ये क्लास कभी रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, क्योंकि 4 GB से ज़्यादा की फाइल हो जाती है। तो इसका अगला भाग आप लोग देख रहे होंगे ना, हाँ, तो इसको घटा वटा लो चाहे ना करो, उससे कोई मतलब नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ये इतना हो जाएगा, क्लियर। लेकिन इसको सार्थक अंक में जब परिवर्तित करेंगे और जो जहाँ तक निकालना है 3 अंक तक, उसके बाद का जो अंक है वो क्या है, 6 है ना, 5 या 5 से अधिक है, तो अगर 5 या 5 से अधिक होता है तो क्या होता है पता है आपको? तो उसके पहले का जो एक अंक है उसमें 1 जुड़ जाता है और ये 19.165 की जगह 164, वो सॉरी 4 की जगह 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या राइट आंसर, हो गया दशमलव के 3 स्थान तक निकालने का। तो साथियों कैसा लगा ये क्लास, आप कमेंट जरूर करना, अगला सवाल भी देख लेना, इसमें बहुत कुछ है अभी, लेकिन बहुत कुछ ख़त्म भी हो गया है यार, तो देखना ज़रूर पूरा। देखिए साथियों, इसी कक्षा 8 की गणित में ही है अगला एक क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, वो कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी संख्या में, उसी दशमलव संख्या में से गुणा करने पर गुणनफल 12 27.80 16 हो जाए। अगर हम आपसे पूछें कि वो कौन सी संख्या है जिसे उसी संख्या में गुणा करने पर वो संख्या का गुणनफल 25 हो जाता है, बताओ जल्दी बताओ, कौन सी संख्या है जिसे उसी संख्या में से गुणा करने पर उसका जो गुणनफल है वो 25 हो जाएगा? दूसरा अगर मैं पूछूं कि वो कौन सी संख्या है जिसे उसी संख्या में से गुणा करने पर संख्याओं का गुणनफल 144 हो जाएगा, तो हर कोई कर लेगा ना, क्यों, उसी संख्या का उसी में गुणा करना है, मतलब क्या, उसी संख्या का वर्ग कर देना है जिस संख्या को आपको पता है, ठीक ना। तो लेकिन अगर आपसे कहा जाए कुछ इस तरह का, वो कौन सी दशमलव संख्या जिसे उसी दशमलव संख्या में से गुणा करने पर गुणनफल 12 27.80 16 होता है, या फिर इसकी जगह पर अगर दे दीजिए 144 होता है, तो वो कौन सी संख्या, कैसे निकालोगे पता है, वर्गमूल निकालेंगे उस दी गई संख्या का, बस ये जो इतना पचला दिया है ना वर्गमूल निकालने के लिए केवल दिया है, तो चलो वर्गमूल निकाल देते हैं, इसका भी देख लो, बहुत आसान सा है ये, बड़ा मज़ेदार है और वो संख्या ही बहुत फनी है जो है, ये लो देखो 12 27.80 16 दो दो का जोड़ा बना दो, इसमें जो जोड़ी बनता है ये देखो बन गया ना सारा जोड़ा, 3 बार जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 और ये 3, ये जुड़ जाएगा 6, इसमें से आप घटा लोगे 12 में से 9 गया तो 3, ऊपर से उतार लोगे 27, ठीक ना, कितनी बार गया था 3 बार। अब आप इसमें और भी अभी ले जा सकते हो, लगभग 5 बार जाएगा आपकी बार, ट्राई करके देख लो, अब मैं बताऊंगा नहीं कैसे जाएगा, 5 25 हासिल आया, 2 5 3 36 2 32,
जो नए नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो घबराएंगे नहीं, सब बताया जाता है, ठीक ना। घटाने पे 2 आ गया। अब देखो दशमलव के इधर का सब हल हो गया, उधर साइड का है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 5 बार गया था हो गया, अब दशमलव बढ़ा लो, और दशमलव बढ़ा के क्या करोगे, ऊपर इधर वाला जो है 8 0 80 उतार लो, 5 5 10 हासिल, 1 6 1 7, इधर देखो 70 आ गया, उधर आ गया क्या 280। अब कर लो कितनी बार जाएगा मालूम है आपको, इधर एक बात ध्यान देना, अगर मैं एक बार भी ले जाऊंगा तो 701 हो जाएगा, जबकि उधर मात्र 280 है, तो एक बार भी नहीं जाएगा ये, क्योंकि एक बार जाएगा 701 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 0 बार आप ले जाओगे, 0 बार आप ले जाओगे तो क्या आएगा, 280 ही आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे मालूम है, उसके बाद जो 1616 लिखा है इसको ऐसे उतार लोगे, ठीक है, क्या करोगे 1616 ऐसे उतार लोगे, अब आप आगे भाग ले जाओगे, लेकिन 0 जो ऊपर ले गए थे उसको भी वैसे बढ़ा दोगे। अब आप ट्राई कर लो, यहाँ 4 बार जाएगा एकदम कन्फर्म है, गारंटी के साथ, 4 4 जा 16, 4 का 0 में किया 0, 4 7 जा 28, देखो सेम टू सेम मिल रहा है, और ये आपका क्वेश्चन हल भी हो गया। अतः वो संख्या 3504 है जिसका गुणा करने पर गुणनफल जो है वो क्या आया है, 122.8016 होगा, ये आपका पता हो गया। तो कैसी लगी ये क्लास कमेंट ज़रूर करना, अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो जल्दी से इसको नोट कर लो फट से वीडियो को, हो गया ना इतना, वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लेना, हाँ जी बिल्कुल पीछे करके लिख लेना, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत करना 1% का। देखिए साथियों, तो आज की ये क्लास जो है लगभग 40 से 45 मिनट की हो चुकी है, आप लोग फ्री की क्लास को देखने के लिए PVR स्टडी को फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी लाइक और फॉलो करें, जहां पर फॉलो का ऑप्शन है वहां अवश्य करें, और जहां पर लाइक का ऑप्शन है लाइक कर लें, जैसे फेसबुक का पेज आप फेसबुक पर लाइक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज और सारी क्लास फेसबुक पर भी मिल सकती है, फ्री मिल सकती है बिल्कुल। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करोगे जनरल अफेयर मतलब नॉलेज करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन और भी वीडियो वगैरह बहुत कुछ इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किए जाने लगे हैं। इसके अलावा अगर कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो एक छोटा सा ऑप्शन आपको बता दूं, सबसे आसान वो है कि आप 549 रुपये जमा कर दीजिए, और ये पेमेंट आप फ़ोनपे गूगल पे से कर सकते हैं, ये फ़ोनपे गूगल पे व्हाट्सअप तीनों चीज़ का नंबर है, वही एक नंबर है, और जो रसीद मिलेगा स्लिप मिलेगा उसको आप इसी व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, आधा घंटा के अंदर आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, इस तरह से आपको 300 से अधिक क्लास उपलब्ध कराई जाएगी बेसिक मैथ की। अगर आप नहीं करना चाहते हो बिल्कुल मत करो, 1 भी रुपया ना दो, यूट्यूब पर जो मिल रही है उसे देखते रहो, अगले दिन हो सकता फिर आपको क्लास ना मिले, तो फिर उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो चलते हैं, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, जय हिंद जय भारत, अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा, आएंगे फिर से हम आपके साथ।